ये है शाहजहांपुर, ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था। लगभग 9000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। जब से हमने घर बनाकर अंदर रहना शुरू किया, कुदरत से हमारा रिश्ता ही बदल गया। तो इस तरह आग जलाकर हमारे पूर्वज अपने छोटे छोटे घरों को गर्म रखते थे, या शुरुआत उन्होंने ही की थी। इस तरह की छोटी छोटी आग से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल ज्यादा नहीं बदला, लेकिन हजारों साल के दौरान हम इंसान इस वायुमंडल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड झोंकने लगे कि पूरी दुनिया ही गर्माने लगी, और नतीजा सामने है। एंथ्रोपोसीन की शुरुआत जानवरों को पालतू बनाने से हुई। मवेशी घास खाकर मीथेन बनाते हैं, और इससे भी जलवायु बदल जाती है। ये जब अपनी खुराक पचाते हैं तब जाकर मीथेन गैस बनती है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक दौर आने तक किसी को ये बात नहीं पता थी। हालांकि कुछ मवेशी कोई नुकसान कैसे कर सकते थे? पृथ्वी में इतना ज्यादा बदलाव लाना तो बहुत दूर की बात थी। हमारे पूर्वज अपने परिवारों का पेट भरना चाहते थे, बच्चे भूखे ना रहे और साथ ही वो एक लंबी उम्र जिए। चीन में लगभग 4000 साल पहले दुनिया को बदल देने वाली एक खोज हुई। वहाँ ऐसी चट्टाने मिली जिन्हें ठंड और नमी को दूर करने के लिए बतौर ईंधन जलाया जा सकता था। ये चट्टाने दरअसल लाखों करोड़ों साल पहले दम तोड़ चुके पौधों और पेड़ों के जमीन के नीचे दबे कार्बन अवशेष थे। तो कहीं एंथ्रोपोसीन की शुरुआत कोयले की खोज से ही तो नहीं हुई? पावर फोर्जेस, फाउंड्रीज और घरों में कोयले की अहमियत बढ़ती चली गई, या फिर एंथ्रोपोसीन की शुरुआत लगभग 1000 साल बाद हुई, जब पूरे एशिया के लोगों ने धान उगाना शुरू किया। इस अनोखी तकनीक में पौधों को पानी से भरे खेतों में रोपा जाता है, और इसे कहते हैं पडलिंग। इन मेहनती किसानों को ये पता नहीं था कि धान उगाने का ये तरीका मवेशियों को पालने की तरह किसी दिन हर साल लाखों टन मीथेन पैदा करने लगेगा। पानी से भरी मिट्टी ऑक्सीजन गंवाने लगती है, और फिर छोटे और अदृश्य माइक्रोब्स प्लांट मैटर को बचाकर मीथेन पैदा करने लगते हैं। धान के पौधों की पत्तियों से और ज्यादा मीथेन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। इन शुरुआती किसानों को नहीं पता था कि बहुत छोटे स्तर पर ये सब क्या हो रहा है। वो तो बस अपना और घर वालों का पेट भरने की कोशिश कर रहे थे। लिखावटें कई तरह की होती है, लेकिन ये है समय की लिखावट। अगर आप समय के अक्षरों को पढ़ना जानते हैं, तो हमारे ग्रह के साथ साथ क्या पेश आया, आप इस गजब की कहानी को लिख सकते हैं। इस कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा चटक रंगों में नहीं लिखा गया था, बल्कि हल्के सफेद रंग में। ये सफेद लाइनें एक कविता जैसी है। ये पूरे ग्रह पर ही बड़े बड़े जीवों के मरने का किस्सा सुनाती है। ये एक दुर्लभ धातु इरिडियम की परत है, जो 6,60,00,000 साल पहले मौजूद क्रिटेशियस युग का अंत दर्शाती है। इस दौर में डायनासोर्स और दुनिया के 3/4 पेड़ पौधे और जानवर एकदम विलुप्त हो गए थे। भूविज्ञानियों की एक रवायत है, अगर पृथ्वी में एक ऐसी परत मिल जाती है जो ऐसे पहले या अंतिम दौर की सीमा रेखा दर्शाए जहाँ किसी भी प्रजाति के जीवाश्म मिलते हो, उसकी निशानदेही एक गोल्डन स्पाइक से की जाती है। इसे चट्टान में हथौड़े से ठोकते हैं। अगर हम एंथ्रोपोसीन यानी इंसान के पैदा किए विलोपन काल में जी रहे हैं, तो अपने इस गोल्डन स्पाइक को हमें किस दीवार में ठोकना चाहिए?